हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, एक्टर कार्तिक आर्यन की अलग अलग शहरों में जाकर अपने फैंस से मिलना और वो मेहनत रंग ला रही है। मतलब कि उनकी नई फिल्म जो अभी रिलीज हुई है भूल भुलैया 2 ने बीते रविवार को शानदार कलेक्शन किया है और जो फिल्मी कलेक्शन पर नजर रखते हैं उनको चौंका दिया है। वहीं आयुष्मान खुराना की पिछली फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के बाद एक और फिल्म अनेक भी फ्लॉप हो गई है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की बात करें तो F3 का धमाल अभी भी जारी है और इस बीच एक तमिल फिल्म रिलीज हुई डॉन, इसने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आइए आपको बताते हैं देश भर में चल रही फिल्मों के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। भूल भुलैया 2। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू जैसे एक्टर से सजी फिल्म भूल भुलैया 2 ने रिलीज के दूसरे रविवार यानी कि 10वें दिन 12,77,00,000 की कमाई की है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 92 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद दूसरे हफ्ते शुक्रवार को 6,52,00,000, शनिवार को 11,35,00,000 और संडे का यानी कि जो 10वें दिन का कलेक्शन था वो था 12,77,00,000। इस तरह फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन होता है 122,70,00,000 रुपए। अनेक अतरंगी एक्टर आयुष्मान खुराना का हिंदी सिनेमा की धारा के विपरीत बार बार तैरना अब उनके फैंस को ही रास नहीं आ रहा। शुक्रवार को 2,11,00,000 रुपए की ओपनिंग के साथ खुली उनकी नई फिल्म अनेक ने शनिवार को 2,20,00,000 रुपए की कमाई की। उसके बाद फिल्म का कलेक्शन गिरकर नीचे आया 1,95,00,000। तो इस तरह फिल्म फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि इस फिल्म का बजट है 40 करोड़ रुपए। हालांकि OTT राइट से मेकर्स ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया होगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म सिनेमा घरों में फ्लॉप हो गई है। अब बात करते हैं तेलुगु फिल्म F3 की। वेंकटेश, तमन्ना भाटिया और वरुण तेज की तेलुगु फिल्म F3 फन एंड फ्रस्ट्रेशन ने भी रविवार को अपने कलेक्शन में सुधार किया। शुक्रवार को 15,60,00,000 की ओपनिंग के साथ खुली इस फिल्म का कलेक्शन शनिवार को 13,05,00,000 हो गया। आफ्टर दैट रविवार को फिल्म ने करीब 8% की बढ़ोतरी की और फिल्म ने 14,10,00,000 की कमाई की। इस तरह से फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 42,75,00,000 रुपीज का कलेक्शन किया। बात करते हैं डॉन फिल्म की। तो इस फिल्म ने सिर्फ 2 हफ्तों में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म आराम से 150 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब बात करते हैं हॉलीवुड फिल्म की, टॉप गन मैवरिक। ये फिल्म भी बॉलीवुड में फ्लॉप रही है। एक्चुअली दोस्तों, हर बार देखा गया कि जब भी कोई हॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है जो खास होती है अपने आप में, वो फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर कमाई करती है। लेकिन दोस्तों, देखकर ऐसा लग रहा है कि 2022 यहां हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो फ्लॉप साबित हुई इस 5 महीने के अंदर। बहुत ऐसी फिल्म रिलीज हुई जो 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ तक का कलेक्शन कर पाई। कह सकते हैं कि हीरोइज्म वाली फिल्में लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन उनके साथ वो कंटेंट भी ढूंढ रहे हैं। मतलब कि जिसका कंटेंट बेस्ट वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर सकती है, जिसका कंटेंट फ्लॉप वो फिल्म फ्लॉप। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन मैवरिक ने रविवार को करीब 4 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए अपने पहले वीकेंड का कलेक्शन करीब 12,70,00,000 रुपए के आसपास पहुंच गई। फिल्म की सही मार्केटिंग न होने से बॉलीवुड में तमाम दर्शकों को इस फिल्म के बारे में खास जानकारी नहीं मिल सकी। फिल्म की हिंदी में ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ 75,00,000 रुपए से हुई और अगले 2 दिन मिलाकर भी इतना कमा नहीं पाई। तो ये थी कुछ फिल्में जो मई के महीने में रिलीज हुई और फ्लॉप हिट दोनों ही साबित हुई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ये फिल्में बनी हैं, देखना होगा कि फाइनल कलेक्शन कितना होता है। आपको किस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं? मतलब कि ये फिल्म अब 100 करोड़ में एंट्री ले चुकी है तो आने वाले टाइम में 150 करोड़ और 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।